इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। वैसे बेलगाम शहर में कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है, लिहाजा एक और सड़क हादसे में काकती के नौजवान की मौत हुई। केएलई अस्पताल के पास कार की ठोकर लगने से एक की जगह पर ही मौत हुई तो दूसरा शदीद जख्मी है जो अस्पताल में जेर इलाज है। खैर एक हादसा कईयों की जिंदगी मुतासिर कर जाता है। स्कूल कॉलेजेस के नौजवान कहीं पर तो भी मोटरसाइकिल से पिकनिक जाते हैं, कभी गोवा समंदर में तैरने के लिए जाते हैं। अगर बेलगाम के नज़दीक का जिक्र किया जाए तो अम्बोली, किटवाड़, गोकाक फॉल्स, गुड़चिनमलकी, सोगल, सुरल, जो भी हो, पर हादसे होते ही रहते। ये भी उतना ही सच है कि हादसों के लिए कोई तो जिम्मेदार होता ही है, अक्सर वो खुद होता है। हमने देखा कि वालिदैन बाज़ वक़्त बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते, कभी कभी तो अपना लाडला या लाडली कहाँ जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं रहता। नौजवानों में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का जोश रहता है, कभी कभी हद से ज़्यादा आज़ादी भी इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होती है। अब तो कई बार लड़कियों को भी नशा करते देखा जाता है। अब इसे क्यों आज़ादी के नाम पर बढ़ावा दिया जाता है समझ में नहीं आता। खैर हादसे के बाद घर वालों का क्या हाल होता है इसका इल्म शायद तेज रफ्तार सवारी चलाने वाले को नहीं होता। पहले दोस्ती पर गाने हुआ करते थे, मिसालें दी जाती थी, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं कहा जाता था। पर आज अक्सर लड़का या लड़की बिगड़ने के लिए इनके दोस्त ही जिम्मेदार होते देखा जा रहा है। खासकर जिस तरह नशा के आदि होते नौजवान दोस्तों की सोबत से ही गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। तेज रफ्तार गाड़ी हादसों में बेहद इजाफा होता जा रहा है। वैसे भी आजकल एक ही बच्चे पर इस्तफाजा करने वाले वालिदैन काफी तादाद में देखे जाते हैं। जब सड़क हादसों में या डूब कर इकलौता लड़का मौत का शिकार होता है तो जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। कहने का मतलब, जब वालिदैन बच्चों की जिद में मोटरसाइकिल दिला भी देते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि इसे तेज रफ्तार दौड़ाने के बजाय जरूरी रफ्तार से चलाए। बेवजह गिरोह बनाकर देर रात सड़कों पर रेस की जाती है। दोस्तों के साथ किसी होटल में पार्टी के बाद सुनसान सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते नौजवान अक्सर देखे जाते हैं, लिहाजा इसका नतीजा हादसों के जरिए सामने आता है। उन नौजवानों को इन सड़क हादसों से इबरत हासिल करनी होगी कि घर में कोई इंतजार कर रहा है और खासकर वालिदैन बच्चों की फिक्र में सोते तक नहीं है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वालिदैन की फिक्र उतनी ही होती है। बच्चे जब सही तरबियत से भटक जाते हैं तो गलत रास्ते इख्तियार करते हैं और गलत रास्तों पर ही हादसे होते हैं। यकीनन जिंदगी और मौत ऊपर वाले के इख्तियार में है, पर अपनी भी तो जिम्मेदारी होती है कि इसे एहतियात से गुजारे। मनमानी जिंदगी ना तो माशरे का भला करती है और ना खुद का भला करती है। सड़क हादसों की वारदातों में नौजवानों की मौत के वाकये में इजाफा हो रहा है। बच्चों को किस तरह परवरिश के जरिए जवानी तक लाकर सड़क हादसे के नजर करना किस कदर वालिदैन को नागवार गुजरता है। बच्चों को वालिदैन के बारे में, उनके जज्बात के बारे में, उनकी मोहब्बत के बारे में सोचकर तमाम गलत आदतों से, गलत सोहबतों से परहेज करना होगा, क्योंकि एक हादसा पूरे खानदान को मुतासिर करता है। वालिदैन की भी जिम्मेदारी होती है कि नौजवान लड़का लड़की कहाँ जा रहे हैं इस पर तवज्जो दे, कैसी सोहबतें, कैसे दोस्त इख्तियार किए इस पर भी तवज्जो रहे, क्योंकि जब हादसे होते हैं तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। किसी शायर ने कहा कि यह कौन अच्छी बातों से सबक सीखता है, क्या सभी को एक हादसे का इंतजार है। कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर 10वीं 12वीं कॉलेजेस को तो पहले ही शुरू किया गया था, पर अब वजारत तालीम ने यह ऐलान किया है कि अब स्कूलों को मुकम्मल तौर पर शुरू किया जाएगा। वजीर तालीम यह सुरेश कुमार ने कहा है कि 1 फरवरी से पहली से 9वीं तक के क्लासेस को पूरी तरह शुरू किया जाएगा। वजीर सेहत, वजीर तालीम के साथ दिगर आला अफसरान के साथ सलाह मशवरा करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि वालिदैन की भी मांग थी कि क्लासेस को पूरी तरह शुरू किया जाएगा, लिहाजा तालीमी महकमा के कुछ अफसरान ने मुख्तलिफ स्कूलों को जाकर जायजा लिया और किसी तरह कोरोना मरीजों के इजाफे के कोई इम्कानात नजर नहीं आए, लिहाजा 1 फरवरी से एहतियात बरतते हुए क्लासेस को शुरू करने का फैसला लिया गया। बच्चों की फीस को लेकर भी काफी एतराजात तालीमी महकमाओं के पास आवाम की जानिब से किए गए हैं, जिस पर मशवरा किया जा रहा है। अब देखना है कि क्या फैसला लिया जाता है। रियासती मरकजी वजीर सुरेश अंगड़ी की मौत के बाद लोकसभा चुनाव 6 महीने के दरमियान ही लेना जरूरी होता है। अगर लोकसभा जमनी इंतखाबात फरवरी में लिए जाते हैं तो यकीनन कारपोरेशन चुनाव और आगे जाने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। अगरचे के बंगलौर अदालत ने कारपोरेशन चुनाव को जल्द अंजाम देने का फैसला दिया भी हो तो लोकसभा चुनाव दरमियान में हाइल हो चुके हैं। कोरोना से सुरेश अंगड़ी की मौत को
मार्च में 6 महीने पूरे हो रहे। इलेक्शन कमीशन ने अब तक तारीख को तय नहीं किया है, लेकिन फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। कॉरपोरेशन चुनाव की बात करें तो रिजर्वेशन और वार्ड रचना को लेकर सभी कॉरपोरेटर ने अदालत जाने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर बेलगाम बल्दी इंतखाबात मुलतवी होने के आसार नजर आ रहे हैं, और अगर लोकसभा चुनाव का ऐलान जल्द होता है तो सरकारी मोकमा चुनावी सरगर्मियों में मसरूफ हो जाएंगे। इतना तो जरूर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कॉरपोरेशन चुनाव नहीं होंगे। हुबली धारवाड़ गुलबर्गा में किसी तरह के जमनी इंतखाबात नहीं, लिहाजा वह कॉरपोरेशन चुनाव हो सकते हैं, पर बेलगाम मामला अलग है जिससे कॉरपोरेशन चुनाव में ताखीर हो सकती है। और इसी रुकावट की वजह से जितना लोकसभा चुनाव में ताखीर होगी उतनी ही ताखीर कॉरपोरेशन चुनाव में होगी, जिससे कॉरपोरेटर बनने का ख्वाहिशमंद हजरात मायूसी का शिकार होंगे। कई सारे सबक कॉरपोरेटर और नए ख्वाहिशमंद गली मोहल्ले में घूमकर अपने वोटरों को रिझाने का काम जारी कर ही रहे थे, पर अचानक लोकसभा चुनाव का ब्रेक आने से कॉरपोरेशन में बतौर कॉरपोरेटर दाखिल होने का ख्वाब को पॉज दिया गया। जल्द लोकसभा और कॉरपोरेशन चुनाव मुकम्मल होने पर आवाम की नजरें। सियासत में कब क्या होता है कहने नहीं आता। कभी जेडीएस और भाजपा एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, पर अब कानून साज काउंसिल के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की तलाश हुई है। ऐसा लग रहा है कि जेडीएस बीजेपी के हाथ मिलाने से कांग्रेस अलग थलग हो सकती है। वैसे उमूमन कहा जाता है कि कुमारस्वामी इख्तदार के भूखे हैं और इख्तदार से काफी अरसे तक दूर नहीं रह सकते, लिहाजा गोकशी कानून को भी मंजूरी देने का फैसला लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आला एचडी कुमारस्वामी एक बार फिर यू टर्न लेते हुए रियासती कानून साज काउंसिल में गोकशी बिल की तायीद करने का फैसला लिया गया। इस तरह अपने ही फैसले के बरक्स एक और फैसला लिया के जेडीएस के सीनियर लीडर व रुकन काउंसिल बसवराज होरट्टी ने कल जुमेरात को बताया कि हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले गोकशी बिल को इनकी पार्टी जेडीएस तायीद करेगी। इस मरतबा बिल की मुखालफत करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अक्सर बीजेपी हुकूमत के साथ काउंसिल के 75 अराकीन में से बीजेपी और जेडीएस के 43 अराकीन है जो अक्सरियत में है। दोनों पार्टियां इस बिल की तायीद करेंगे। कहने का मतलब यही है कि बीजेपी के साथ कौन कब चला जाता है इसका कोई भरोसा नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि क्या अब सेक्युलर नाम के कोई मायने ही नहीं रहे। खैर, अब सवाल अकलियतों का है जिस पर क्या अकलियती समाज के जिम्मेदार आने वाली मुसीबत और मुल्क के संविधान की हिफाजत के मद्देनजर कुछ सोचने की जहमत उठाएंगे या इसी तरह आपसे इख्तलाफात का शिकार होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।